फेरी मेडोज पाकिस्तान के चंद खूबसूरत तरीन इलाकों में शामिल होता है। बहुत सालों से ये पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है, जहां बहुत लोग यहां आते हैं सियाहत करने के लिए और इस माहौल को देखने के लिए। ये नंगा पर्वत का बेस कैंप भी है और इसकी एक और बात, यहां का खूबसूरत चीड़ यानी पाइन का जंगल है। ये सदियों पुराना जंगल है, जहाँ पर एक एक दरख्त की उम्र कई कई सौ साल है। लेकिन आज हम आपकी तवज्जो एक बहुत बड़े डिज़ास्टर की तरफ, एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ लाना चाहते हैं, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आप वीडियो शेयर करें और आपके थ्रू ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचे कि जो इस बारे में कर सकते हैं। ख्वातीनों हज़रात, पाकिस्तान के इस खूबसूरत इलाके में ये कदीम और कीमती चीड़ के जंगल में एक ज़बरदस्त तबाही है जो हो रही है। आप वो तबाही हमारे पीछे देख सकते हैं। दरख्त हैं जो हर तरफ गिरे हुए हैं, बहुत बुरे हाल में जंगल जो है वो ज़ाया हो रहा है। लेकिन इस जंगल को इस हाल में पहुंचाने में किसी इंसान का हाथ नहीं है। ये एक मिस्टीरियस, एक अजीबोगरीब सी बीमारी है, जिसके बारे में हम तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हमें यकीन है कि माहिरीन इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे, जो इन दरख्तों को लग चुकी है और ये दरख्त तेज़ी से मर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि वो बीमारी क्या है। ये देखिए, ये है वो बीमारी। पहले दरख्त के ऊपर ये ख़ास किस्म की बीमारी नमूदार होती है और उसके बाद वो दरख्त के ऊपर चलना शुरू करती है, और जैसे जैसे वो दरख्त के ऊपर चलती है, उसकी पत्ते और शाखें गिरना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ही अरसे के बाद दरख्त जो है इस सूरत में ज़मीन के ऊपर गिर जाता है, जैसे यह आपके पीछे ये गिरा हुआ दरख्त नज़र आ रहा है। यहाँ के लोकल लोग इस बीमारी की वजह से बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनका कीमती सरमाया ज़ाया हो रहा है, लेकिन इन बेचारे लोगों को कुछ नहीं पता कि वो इस बारे में क्या करें। अब ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया के माहरीन और हमारी लोकल पॉपुलेशन आगे आए और इसके बारे में कुछ करें। सिंस द नीड इज़ वर्ल्ड वाइड एंड दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट जंगल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज, देयरफॉर आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द पीपल कंसर्न्ड एंड ऑल द पीपल हु हैव एनी नॉलेज रिलेटिंग टू दिस काइंड ऑफ डिजीज एंड हु आर कंसर्न्ड फॉर द एनवायरमेंट and who would like to save this jungle to come forward and do something about this mysterious disease that is killing this beautiful jungle, these centuries old trees, very quickly. And I'm sure there is a cure for this disease, and I'm sure once we all come together and do this community service, we can save this beautiful heritage of humankind for centuries to come. Thank you. Illallah.